एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत जिला दमोह की युकाई के द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें धर्मांतरण एवं अवैध गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। इस मामले पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। क्या कुछ ज्ञापन में था, किस तरह की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जैसा कि आपके संज्ञान में देखते गंगा जमुना स्कूल के बहुत संचय धर्मांतर मामले में आज जमानत पर फरार आरोपी गिरफ्तार कर पाने में पुलिस नाकाम हुई और तो और प्रशासन द्वारा भी इस मामले में शुरुआती अवांछित समय देते हुए धर्मांतर के आरोपियों को फरार होने में अनापेक्षित सहयोग किया गया है। कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा ट्वीट के जरिए आदेशित किया जाने के बावजूद जाँच में तेजी नहीं लाई। गंगा जमुना प्रकरण में आरोपियों द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच आज दिनांक तक कोई जांच नहीं की गई, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। अतः हमारी मांग है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि दमोह में गंगा जमुना स्कूल और ईसाई मिस्तनियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसी संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से गृह मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि वर्तमान में गंगा जमुना स्कूल जो हिजाब के मामले में और धर्मांतरण के मामले में अभी सुर्खियों में आया है और सभी को पता चला है कि इनके द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उस मामले में जो अपराधी फरार हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उनकी यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो उनकी संपत्ति को सील किया जाए और कुर्क करने की भी आदेश दिए जाएं, साथ ही नगद इनाम की भी घोषणा की जाए। ये हम लोग की प्रमुख मांग है। दूसरा विषय, ईसाई मिशनरी द्वारा अजय लाल, विवेक लाल, विवर्त लाल द्वारा निरंतर हिंदू समाज के नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, इनकी गतिविधियों की भी संहिता से जांच हो और इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। चूंकि पूर्व में कभी बच्ची के साथ किसी उनके वार्डन ने छेड़छाड़ का भी मामला आया है और उस मामले में भी सख्तता से कार्रवाई हो।